देश में जो विकास का कार्य हो रहा है, जो सरकार कर रही है, वो देखा जाए तो एक तरह का शिल्पकार के रूप में कार्य कर रही है। जैसे कि भगवान विश्वकर्मा जी ने शिल्पकार के रूप में बहुत सी चीज़ें बनाकर इस संसार में दी, लोगों को सब मालूम है कि श्री विश्वकर्मा जी भगवान ने शिल्पकार होते हुए एक ऐसी अद्भुत सी चीज़ें बनाई जो आज भी लोग याद कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार भी कड़ी मेहनत करके इस देश में एक शिल्पकार के रूप में कार्य कर रही है और नए नए कार्यों को, नए नए योजनाओं को लागू करके उसको पूरा करने में लगी हुई है। ये सब चीज़ें तभी संभव है जब हम शिल्पकार को पूरी तरह से सहयोग करें, सहायता करें और उनकी बताई हुई बातों पर हम लोग मनन करें। हमारे देश के जो भी सरकार के लोग हैं और जो हम सब लोग सरकार के कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सबको ऐसे शिल्पकार के रूप में कार्य करने के लिए लग जाना चाहिए। हम सब लोग जाएं, वो कोई भी स्तर पर कार्य कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, वो देश का शिल्पकार है और शिल्पकार होने के नाते हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि भगवान विश्वकर्मा की तरह जैसे उन्होंने नए नए चीज़ों का विकास किया, नई नई अद्भुत चीज़ें बनाई, वैसे भी हम देश के शिल्पकार बन के नए नए चीज़ें बनाएँ, सरकार को सहयोग करें और अपने देश को सहयोग करके इतना विकसित करें कि विश्व में इसका एक नाम हो। और आइए हम सब लोग इस चीज़ को मनन करके इस कार्य में लग जाएं, क्योंकि हमें अपने देश को ऊंचा उठाना है। ये तभी संभव है जब हम शिल्पकार के रूप में अपनी सोच को अपने कार्यों में परिणित करें, उसको कार्यों में दिखाएं और केवल दिखाने से ही नहीं उसको आगे बढ़ा कर ले कर चलें। आइए हम सब लोग अपने देश के इस कार्य के लिए लगें कि हम शिल्पकार के रूप में भी नहीं, हम एक तरह से देश के नागरिक होने के नाते सबकी ये अहम जिम्मेदारी बनती है कि शिल्पकार भी बने और देश के नागरिक बन के कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करके अपने देश को विकास की सीढ़ियों में चढ़ा के ले चलें, जिससे कि एक विकसित देश बनकर भारत पूरे विश्व में, संसार में अपने को दिखा सके कि हम वही भारत हैं जो हम विकसित देश की बात करते थे। आज हमारे नागरिकों ने, हमारे देश के शिल्पकार कर्मचारियों अधिकारियों ने आज भारत को विकसित देश की श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया है। उस सब के लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र होंगे और उसके लिए आप सब लोग को हार्दिक धन्यवाद और बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।